एलील्स बन सकते हैं इससे? एक ही टाइप के एलील बने, मतलब एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे या अलग अलग टाइप के गैमीट पॉसिबल? एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे, एक में ये वाली सिचुएशन होगी, दूसरे में भी यही वाली सिचुएशन होगी। बट इफ डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट, मतलब कि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, एक कैपिटल ए है एक स्मॉल ए है, कितने टाइप के गैमीट बन पाना पॉसिबल है? कैपिटल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, दिस इज कंडीशन सेम है, ठीक है। मतलब ये एक इंडिविजुअल है जिसके अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट है, लेकिन अब अगर इससे गैमीट का फॉर्मेशन होना है तो क्या कितने डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, हमको ये देखना है, ठीक है। सो कैपिटल टी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, वन एलील गेट सेपरेट विथ अनदर एलील ऑफ सेम जीन, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर वन क्रोमोसोम नंबर वन से सेपरेट होगा, करेक्ट। क्रोमोसोम नंबर टू क्रोमोसोम नंबर टू से सेपरेट होगा, थ्री थ्री से सेपरेट होगा, लेकिन क्या क्रोमोसोम वन टू से सेपरेट हो सकता है, थ्री से सेपरेट हो सकता है? किसी ना किसी के साथ तो जाना है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस बन पाना पॉसिबल है। कैपिटल टी कैपिटल ए, एक कंडीशन तो ये हो जाए, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल ए, एक कंडीशन ये हो जाए। स्मॉल टी कैन गो विथ कैपिटल ए एंड स्मॉल टी कैन ऑल्सो गो विथ स्मॉल ए, बात समझ में आई? ये मेंडल का एक्चुअली दूसरा लॉ था, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन एलील ऑफ अ जीन गेट सेपरेट विथ अनदर एलील ऑफ सेम जीन, मतलब अपने ही जैसे जीन के, मतलब अपने ही जैसे जीन से एक एलील जो है वो दूसरे एलील से सेपरेट होता है, एक ही जीन। तो ये वाली जो कंडीशन है ये समझ में आ गई? अगर तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो, मतलब अगर हम ये वाली कंडीशन रखते हैं, देखो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं इससे, ओके? बनाने का सबसे इजी तरीका है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी कैन गो विथ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, स्मॉल टी कैन ऑल्सो गो विथ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए कैन गो विथ कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वाली सिचुएशन समझ में आ गई है? देखो कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल बी, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल बी, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। दीज टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, बात समझ में आई? कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल टी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन एलील ऑफ अ जीन गेट सेग्रीगेट विथ अनदर एलील ऑफ सेम जीन, ठीक है। तो ये हमने बात की कि किस तरीके से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।